गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारी हनी स्कल बुक और जो रीडर बुक है और सप्लीमेंट्री बुक है, कौन सी, इफेक्ट विद द सन, तो दोनों ही बुक्स के 6-6 चैप्टर कम्प्लीट हो चुके हैं। तो अब हम रिविजन स्टार्ट कर रहे हैं और रिवीजन के लिए आज हमने कौन सी बुक का, जो हमारी इंग्लिश रीडर बुक है हनी स्कल, उसका चैप्टर नंबर 1 टू डिफेक्टिक्स होमवर्क लिया है। पहले हम चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एक बार दोबारा से करेंगे और फिर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे और आप सभी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं और अपने टेस्ट की तैयारी करनी है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा चैप्टर है इफेक्ट विद द सन का, द टेल ऑफ टू वर्ल्ड, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और आज हम करते हैं अपनी हनी स्कल बुक हू डिड पैट्रिक्स होमवर्क का एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। पहले तो चैप्टर की शुरुआत में बेटा एक बच्चा होता है आपके जैसा ही, जैसे कि आप लोग हैं, जिसका नाम क्या होता है, पैट्रिक होता है। और जो पैट्रिक होता है उसको अपने होमवर्क से बहुत क्या होती है, नफरत होती है। पैट्रिक्स हेटेड होमवर्क, वो नहीं चाहता कि वो होमवर्क करे। वो बहुत ही परेशान हो जाता है जब होमवर्क को देखता है। और उसे क्या अच्छा लगता है, उसे फुटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, वीडियो गेम्स खेलना, ये बड़ा पसंद होता है। और जब भी उसे कहा जाता है, टीचर्स जो होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उसे कहते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार कहते हैं कि बेटा आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है, नहीं तो आप क्या हो जाओगे, सबसे पीछे रह जाओगे। लेकिन बेचारा पैट्रिक करे भी तो क्या, क्योंकि उसको क्या है, होमवर्क से नफरत है, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता होमवर्क करना। तो एक बार की बात होती है कि पैट्रिक देखता है कि उसकी जो कैट है वो एक डॉल से खेल रही है। लेकिन जब वो ध्यान से उसको देखता है और अपने हाथ से पकड़कर उसकी डॉल को उठाता है, तो देखता है, वो पाता है कि ये तो डॉल नहीं बल्कि एक लिटिल मैन है, एक बौना व्यक्ति है, जिसे कि चैप्टर में क्या नाम दिया गया है, एल्फ बोला गया है। ये तो एक एल्फ है, एक छोटा व्यक्ति है, बोना व्यक्ति, जिसने की एक ऊनी शर्ट, पुराने फैशन की पैंट और एक जैसे जो ब्रीचेस टाइप की नहीं पहने रखते, एक चोंच वाली लंबी सी टोपी, इस तरीके की एक हैट लगाई हुई है। और वो चिल्लाता है कि मुझे अपनी कैट को वापस मत देना, ये कैट मुझे मार डालेगी और तुम मेरी जान बचा लो, इसके बदले में मैं तुम्हारी एक विश पूरी कर दूंगा। और जैसे ही पैट्रिक को ये पता चलता है कि ये मेरी विश पूरी करेगी, उसको मतलब विश्वास नहीं हो पाता है कि वो कितना लकी है कि भाई उसको एक ऐसा आदमी मिल गया है जो उसकी एक विश पूरी करेगा। और वो विश क्या होगी, आपको पता ही है कि वो उसको क्या करना अच्छा नहीं लगता, होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वो क्या कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बिल्ली को वापस नहीं दूंगा और इसके बदले में तुम्हें क्या करना होगा, इस सेशन के एंड तक, यानी अभी सेशन को, पूरे सेशन को खत्म होने में 35 डेज बाकी हैं, इन 35 डेज से पहले पहले तुम्हें मेरे होमवर्क को कंप्लीट करना होगा। जो बेचारा छोटा सा बूना सा आदमी था वो बहुत परेशान हो जाता है ये बात सुन के, क्योंकि उसने कभी होमवर्क किया नहीं होता है। वो अपने आईब्रोज को चढ़ाता है, पूरे फेस पे रिंकल्स आती है, बेचारा गुस्से से अपने होठों को फड़फड़ाने लगता है और उसका फेस ऐसे लगता है जैसे कि हम बर्तन को पोंछ के कपड़े को कहीं पर ठूस देते हैं और बाद में उसको निकालते हैं तो उसमें क्या होती है, रिंकल्स, सिकुड़ जाता है, ऐसा उसका फेस हो जाता है चिंता से। लेकिन बेचारा क्या करे, उसने तो प्रॉमिस किया है पैट्रिक को कि वो उसका होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो अब क्या होता है, अब पैट्रिक जो है वो उसको होमवर्क दे देता है और रियल जो अब एक्चुअल परेशानी अभी स्टार्ट होने शुरू हो जाती है कि जो पैट्रिक है उसने एल्फ को दे दिया अपने इंग्लिश का होमवर्क करने के लिए। और उसने क्या किया भाई, इंग्लिश के होमवर्क में उसको स्पेलिंग से नहीं समझ में आ रही है, तो वो चिल्लाता है, पैट्रिक जाओ जाकर डिक्शनरी उठा के लाओ, उसमें से वर्ड्स के मीनिंग फाइंड आउट करो और मुझे बताओ, और बुक्स ले आओ। और फिर कहता है नहीं रहने दो, ऐसा करो मेरे साथ ही बैठो और एक लाइन टू लाइन इन वर्ड्स को पढ़ो और मुझे इनका मीनिंग समझाओ। बेचारा पैट्रिक उसके साथ बैठता है, लाइन टू लाइन चैप्टर्स पढ़ता है, आंसर्स पढ़ता है, उसको समझाता है, गाइड करता है। इसके बाद आती है मैथ की बारी। अब मैथ्स में तो भाई मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता है जो लिटिल मैन है उसे, उसे समझ में नहीं आता है एडिशन क्या होती है, सब्सट्रैक्शन क्या होती है। और वो क्या कहता है, भाई मुझे नहीं आ रहा है समझ में, मेरे साथ बैठो और मुझे समझाओ कैसे करना है मुझे मेरा होमवर्क।
ये एडिशन सब्सट्रैक्शन इन मैथ वैथ को हम नहीं समझते हैं, ये अल्फा हमारी दुनिया में इसका कोई काम नहीं होता है। और जो हिस्ट्री सब्जेक्ट की बारी आती है, हिस्ट्री तो टिल मैन के लिए एक मिस्ट्री होती है, रहस्य है, उन्हें नहीं पता कि वुमेन हिस्ट्री क्या है। तो कहता है कि जाओ लाइब्रेरी जाओ, ढेर सारी बुक्स लेकर आओ, जितनी हो सके बुक्स लाओ, उन बुक्स को पढ़ो, समझो और मुझे गाइड करो, समझाओ, तब मैं तुम्हारा अनुभव पूरा करूंगा। बेचारा पैट्रिक पहले जितनी मेहनत करता था उससे दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ रही है, बुक्स ला रहा है, वही ला के उन बुक्स को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर उस एल्फ को समझा रहा है, तो फिर वो उसका होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, ऐसे दिन रात मेहनत कर रहा है पैट्रिक। और अब रात में भी पढ़ाई करता है, पहले से ज्यादा टाइम स्टडी को देने लगा है, और थकान से नींद भरी आंखें उसकी ऐसी हो जाती हैं, और उन्हीं आंखों से वो डेली स्कूल जाता है, वापस आता है, और बहुत मेहनत कर रहा है पढ़ाई पर। पढ़ाई पर कैसे मेहनत कर रहा है, उसे हेल्प को गाइड करने के लिए, छोटे व्यक्ति से अपना होमवर्क कराने के लिए उसकी बराबर हेल्प कर रहा है। और अब आखिरकार जो सेशन है उसका एंड आ जाता है, और सेमेस्टर का एंड होते ही अब रिजल्ट अनाउंस होते हैं, और रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो पैट्रिक को क्या मिलता है, ए मिलता है, यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसका। और ये बात देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था भाई, इसको तो कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, अब इतना एकदम से कैसे इतना होशियार हो गया है। और टीचर्स बहुत खुश हो जाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, यहाँ तक कि पैट्रिक के पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, इस चीज से आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कैसे पैट्रिक के अंदर इतना सारा बदलाव आया है। और जो पैट्रिक है वो क्या करता है, अब एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया है, वो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता है, खेलता कम है, और अपने रूम को जो पहले बिखेरे रखता था और अपनी मम्मी से काम करवाता था, वो अपना काम खुद करता है, अपने रूम को खुद एडजस्ट करता है, समेटता है, सजाता है, और एक बहुत ही आइडल स्टूडेंट और एक आइडल चाइल्ड बन जाता है अपने पेरेंट्स का। और उसके अंदर अचानक से जो बदलाव आता है वो खुद ही नहीं समझ पाता कि कैसे ही बदलाव आया। और आज भी पैट्रिक ये सोच रहा है कि उसका होमवर्क लिटिल मैन ने किया है, जबकि वास्तव में रियलिटी क्या है, रियलिटी आपको मैं बताती हूँ बेटा, रियलिटी ये है कि जो वर्क है वो एक्चुअली छोटे व्यक्ति ने नहीं किया, जब किसने किया, पैट्रिक ने किया है। कैसे भाई, पैट्रिक बुक्स लाता था, पढ़ता था, उसको समझाता था, सम सॉल्व करता था और उसको बताता था, दिन रात हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक्स की स्टडी करता था और छोटे व्यक्ति को समझाता था। तो वास्तव में जो होमवर्क है वो लिटिल मैन ने नहीं बल्कि किसने किया, पैट्रिक ने किया। ये हमारी स्टोरी थी चैप्टर की, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ आवर चैप्टर एंड वी विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ आवर चैप्टर नंबर वन। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट डिड पैट्रिक क्या थिंक यानी सोचता है, पैट्रिक क्या सोचता है कि उसकी जो बिल्ली है वो किसके साथ खेल रही है, व्हाट वाज इट रियली, और ये वास्तव में क्या था। चैप्टर की शुरुआत में ही आपको बता दिया गया था, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद ए डॉल। पैट्रिक जो फर्स्ट क्वेश्चन है किसके साथ खेल रहा था, उसका आंसर है पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक डॉल, एक गुड़िया के साथ खेल रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट रियली, इसी क्वेश्चन के अंदर, तो एक्चुअली इट वाज ए स्मॉल मैन। तो वास्तव में ये क्या था, ये तो एक स्मॉल मैन यानी छोटा व्यक्ति था। समझ गए हैं आप इस क्वेश्चन के आंसर को। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड द लिटिल मैन रन पैट्रिक अवे, व्हाई डिड, व्हाई क्यों क्यों पैट्रिक को उस छोटे व्यक्ति ने एक विश दी, एक इच्छा, वचन दिया कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा, क्यों कहा उसने ऐसा। The little man granted him a wish because he saved his life या him from the cat. देखिए भाई, the little man granted, little man ने भाई वादा किया, प्रोमिस किया him यानी पैट्रिक को कि वो उसकी एक विश पूरी करेगा, बिकॉज क्योंकि he कौन है यहाँ पर, पैट्रिक, saved, पैट्रिक ने बचाया था him कौन है यहाँ पर, the elf या द लिटिल मैन, क्योंकि पैट्रिक ने बचाया था लिटिल मैन को फ्रॉम हिज कैट, किससे बचाया था, अपनी बिल्ली से बचाया था। तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक के विश, क्यों छोटा व्यक्ति उसको एक विश देता है मांगने के लिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अभी भाई छोटे व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हारे एक विश पूरा करूंगा, वो विश क्या थी? तो वो विश क्या थी? हिज विश वाज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द पेट। वो चाहता था कि उसका होमवर्क किसके द्वारा किया जाए? एल्फ के द्वारा किया जाए। जो छोटा व्यक्ति था उसके द्वारा पैट्रिक का सारा होमवर्क कर लिया जाए, यानी पैट्रिक नहीं करे बल्कि होमवर्क कौन करे? छोटा व्यक्ति करे। इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? भाई कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिनमें छोटे व्यक्ति को पैट्रिक की मदद की जरूरत पड़ी? तो वो थे, ही नीडेड हिज हेल्प इन मैथ्स हिस्ट्री, मैथ्स इंग्लिश एंड हिस्ट्री। आप यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, मैथ्स इंग्लिश एंड हिस्ट्री। तो छोटे व्यक्ति को किन किन सब्जेक्ट में मदद की जरूरत पड़ती थी? मैथ्स में, इंग्लिश में और हिस्ट्री सब्जेक्ट में जरूरत पड़ती थी। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने कैसे मदद की? ही हेल्प्ड हिम बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम, एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स। भाई पैट्रिक ने छोटे व्यक्ति की मदद की कि वो उसके लिए बुक्स लेकर आता, उन बुक्स को एक्सप्लेन करता और रीडिंग करता, छोटे व्यक्ति को रीडिंग करके समझाता, एक्सप्लेन करके समझाता। तो इस तरीके से पैट्रिक ने छोटे व्यक्ति की मदद की। हु डू यू थिंक आप क्या सोचते हो भाई, कौन डेड पैट्रिक्स होमवर्क? कि किसने किया है पैट्रिक का होमवर्क? द लिटिल मैन ने एंड पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक ने खुद? गिव रीजन फॉर योर आंसर और अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखिए बेटा, इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ। ये तो वास्तव में कौन था? पैट्रिक था। हु एक्चुअली डिड ऑल हिज होमवर्क? जिसने कि अपना पूरा का पूरा होमवर्क किया था वास्तव में। एंड ही हैड टू हेल्प द हेल्प अगेन एंड अगेन विद गाइडेंस एंड बुक्स। वो जो पैट्रिक था वो छोटे व्यक्ति की बार बार मदद कर रहा था, उसको गाइड कर उसका निरीक्षण करके, उसको आगे निर्देश देकर एंड बुक्स, उसको बुक्स पढ़कर, उसके लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ता था और उसको गाइड करता था कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो एक्चुअल में वो वर्क किया किसने था? पैट्रिक ने हिमसेल्फ। पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। ओके, आई होप आप सभी को क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे और टेस्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।